कुछ ऐसा हाँ ना बोले, मुस्कुराए नहीं, तो समझ में कैसे आएगा। लेकिन पार्वती जी ने हम करके कथा सुन रही थी, और जहां से उनको नींद आई ये तोता हम करना शुरू कर दिया, हंकारी भरना। अब बाबा को लगे कि कोई मैया ही सुन रही है, लेकिन जब मां की नींद खुली तो मां फिर से पीछे वाले प्रश्न को करती है, बाबा क्षमा करना, मुझे नींद आ गई थी, मुझे वो कथा सुनाओ ना जब ऐसे ऐसे क्या हुआ था। बाबा ने कहा, तू सो गई थी तो हूं कौन कर रहा था? एक डाल पर बैठे सुखदेव महाप्रभु को शंकर भगवान ने उठाया, त्रिशूल दौड़ा लिए, और भगवान दौड़े आगे आगे, सुखदेव भाग रहे हैं, पीछे पीछे त्रिशूल लेकर शिव भाग रहा है, और आखिर व्यास जी की पत्नी जमाई ले रही थी मुंह खोलकर, और इतना बड़ा मुंह फाड़ी, और उसी में भगवान शुक मुख से ही भीतर प्रवेश कर गए। बोलो सुखदेव भगवान की, और मुख से उनके गर्भ में जाकर के शंकर भगवान त्रिशूल लेकर पहुंचे। कोई शुक शावक आया था? व्यास जी ने कहा, आया था, लेकिन क्या करोगे? भगवान ने कहा, हमें मारना है उसको। क्या गलती करी उसने? अरे उसने हमारी अमर कथा चुराई है। हंस करके व्यास जी ने कहा, अमर कथा सुनने का लाभ क्या? जो अमर कथा सुनता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी ने सर पे हाथ रख के कहा, बाबा मेरी समझ में नहीं आता, मेरी समझ में ये नहीं आता, जब अमर कथा सुनी ली है तो क्या तुम त्रिशूल लेके दौड़ा रहे, और जब अमर हो ही गया है तो तुम्हारे मरने का कौन सा प्रभाव पड़ेगा? तो बाबा ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है, और बाबा चलते बने। वही सुखदेव जो संसार में आने से पूर्व उन्होंने व्यास जी से कहा, पिताजी पहले ब्रह्मा से आशीर्वाद दिलाए, भगवान ब्रह्म से आशीर्वाद कि उसकी माया मुझे व्याप्त नहीं करेगी, क्योंकि 12 वर्ष की अवस्था तक मां के गर्भ से बाहर नहीं निकले, इस डर से कि सांसारिक मोहमाया मुझे ग्रसित कर लेगी। आखिरकार भगवान को आशीर्वाद देना पड़ा, जा मेरा आशीर्वाद है, मेरी माया तुझ पर व्याप्त नहीं होगी। जन्म लेते ही दौड़ करके जो सीधे जंगल की ओर चले गए, वन की ओर तपस्या करने के लिए। आज तपस्या करने के लिए ऐसे सुखदेव महाप्रभु तप करने के लिए वन की ओर, बीच में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, सुखदेव पार हुए। पीछे पीछे उनके पिता व्यास जी पुत्र 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 करके दौड़ रहे हैं, लेकिन पिता व्यास जी को जब देखा तो सारी नारियां, सारी स्त्रियां तुरंत अपने अपने वस्त्रों को धारण कर लेती हैं। व्यास जी ने पूछा, देवी अभी मेरा बिल्कुल युवा बेटा यहां से पार हुआ है, और उसको देखकर आपको लज्जा नहीं आई, और मैं तुम्हारे दादा के क्या परदादा की उम्र का, और मुझे देखकर शर्म आती है? तो उन स्त्रियों ने कहा, व्यास जी क्षमा करना, तुम्हारे पुत्र के दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, वो तो आत्म तत्व का ज्ञानी है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद बना हुआ है, इसलिए तुमसे लज्जा करना स्वाभाविक है। और ऐसे सुखदेव महामुनि के लिए कहते हैं, यम प्रवजन मनुपेतमपेत कृत्यम द्वे पायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तनमयतया तरवो भी नेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमा न तोस्मी। धन्य है, और आज ऐसे महान सुखदेव जैसे राजा परीक्षित गंगा के तट पर बैठे हैं, आज भगवान की प्रेरणा से, भगवान की इच्छा से सुखदेव महामुनि चले आते हैं, तो आज सुखदेव महामुनि को देख करके परीक्षित चरणों में गिर गए, मेरे जीवन को मंगलमय बनाने के लिए,
मेरे जीवन को कृतार्थ करने के लिए गुरुजी आपको ईश्वर ने भेजा है, समर्थ गुरु सामने हो तो शिष्य के तरो। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। और आज योग्य शिष्य की तलाश सच्चा गुरु भी करता है। आज गुरु ने अतः प्रेक्षामि संसिद्धि योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्येह यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुजी मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं कि जिस मनुष्य की मृत्यु करीब हो उसे क्या करना चाहिए, जिस मनुष्य की मृत्यु समीप आ गई हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव मुस्कुराए और कहा, आहा तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया और आज तुम्हें केंद्र में रखकर संपूर्ण मानव जाति को शिक्षा देने के लिए कहते हैं। बरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप आत्मविद सम्मत पुंसा श्रोतव्यादेशु य पर। बरीयानेश बहुत बढ़िया, तुम्हारा प्रश्न ज्ञानी जनों के सम्मत है। दुनिया में सुनने के शास्त्र बहुत हैं लेकिन थोड़ा फल देने वाले हैं और उस पर से भी मनुष्यों की आयु कलयुग में 100 साल मानी जाती। वो बात अलग है कि 100 वर्ष भी पूरा नहीं जी पाते हम, लेकिन कलयुग की आयु 100 साल मानी गई है। अब मैं आपसे प्रश्न करती हूं, आप बड़े विद्वान और पुराने अनुभवी भी बैठे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूं, जरा बताइए 24 घंटे का ये दिन और रात मिलाकर के कितने घंटे का हुआ? 24, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि। और अगर ऐसा है तो ईमानदारी से 100 साल के जीवन में 50 साल तो हमने सोने में ही गवा दिया और ऊपर से 20 साल 25 साल में तो पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो रहा और उसके बाद अध्ययन हो रहा है, कुछ करना बच्चे ही हैं क्रीड़ा में ही 25-30 साल तक तो बच्चे ही माने जा रहे हैं और उसके बाद कदाचित 25 वर्ष में नौकरी भी लगी पर विवाह कर दिया गया, बचा 25 वर्ष तो उस 25 वर्ष को भी व्यक्ति घर और परिवार कुटुंब के ममत्व में गोविंद को भूल करके भी व्यर्थ बिता देता है। संसार में सबका मरण देखता हुआ भी व्यक्ति अपने मरण पर कभी विचार नहीं करता। कहते हैं निश्चल मन से एकमात्र भगवान का स्मरण करो, स्मरण करो, मनन करो, क्योंकि भगवान, चूंकि मेरी स्थिति तो निर्गुण ब्रह्म में स्थित थी लेकिन भगवान के लीलाओं से आकृष्ट होकर के मैंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया। और आज कहते हैं जो बीत गया उसकी चिंता छोड़ो और जो आने वाला है उसकी भी छोड़ो, केवल वर्तमान सुधारो। राजा खटवांग ने एक मुहूर्त में अपना लोक और परलोक दोनों बना लिया तो जिस मानव का अंत काल पास हो उसे घबराना नहीं चाहिए, उसे किसी सुंदर धार्मिक स्थान पर। और जिस मानव का अंत काल तो परिवार से भी ममत्व छोड़ करके उसे किसी सुंदर तीर्थ स्थान पर चले जाना चाहिए और जाकर के विषयों से मन को हटा करके गोविंद में मन को लगाना चाहिए। और भगवान का ध्यान कैसे करें? क्योंकि पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठंती परिषद प्रपदे रसातलम महातलम विश्व श्रीजो यथ गुल्फे तलातलम वै पुरुषस्य जंघे।
अतल वितल सुतल सलातल रसातल महातल जनलोक भोरलोक तपलोक महरलोक सब इसी भगवान के शरीर के अव्यय कहे गए हैं। भगवान का वक्षस्थल स्वर्गलोक है, बदन और मुख जनलोक है, ललाट तपलोक है, शिरोभाग्य को सत्यलोक कहा गया है। भगवान के उस ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, उदर से वैश्य की और पद से शूद्र की उत्पत्ति कही गई है। ये समस्त भगवान के शरीर के अव्यय ही कहे गए हैं। सुंदर भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कुछ पाने की इच्छा है तो कहते हैं आगे हमें व्यर्थ का परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे भाग्य में है और जो चीजें हमें सहजता से मिल जा रही है उसके लिए व्यर्थ परिश्रम नहीं करना चाहिए। ये तो साधकों के लिए कहा गया है। जैसे हाथ रहते हुए तकिए की क्या जरूरत है, भगवान की दी हुई भूमि के रहते बेड इत्यादि की क्या जरूरत है, बलकल के रहते हुए नए नए पोशाक की क्या जरूरत है, और इस प्रकार से साधकों की स्थिति का सुंदर वर्णन है। लेकिन अगर व्यक्ति कुछ पाने की इच्छा से भगवान का यजन कर रहा है तो किस भगवान को पूजन करने से क्या फल मिलता है। एवमेत इंदिगतितं पृष्टवान यद्यवान मम नृणाम यन म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम। जो व्यक्ति कुछ पाने की इच्छा से आप भगवान को मनाते हैं तो याद रखना, वेद अध्ययन की सामर्थ्य चाहने वाले व्यक्ति को ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए, इंद्रियों की सामर्थ्य चाहने वाले व्यक्ति को इंद्र भगवान की पूजा करनी चाहिए, प्रजा में सुख चाहने वाले व्यक्ति को दक्ष की, लक्ष्मी चाहने वाले को दुर्गा मैया की, प्रभाव चाहने वाले को अग्नि की, और सुंदरता चाहने वाले को गंधर्वों की, आयु चाहने वाले को अश्विनी कुमारों की, विद्या चाहने वाले को भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। लेकिन सर्वकाम निष्काम मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार थी तीव्रीण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। सकाम निष्काम मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति को एकमात्र नारायण की आराधना करनी चाहिए। जैसे अगर वृक्ष की तुमने जड़ में पानी दे दिया तो तना को पत्ती को मिल जाता है, केवल पत्ती को पानी दिया, केवल ऊपर से छिड़क दिया तो नहीं, लेकिन अगर जड़ को पानी दे दिया तो सबको ऑटोमेटिक पानी मिल जाता है बिना दिए। वैसे ही समस्त देवताओं के मूल भगवान नारायण हैं। एकमात्र नारायण कृष्ण की आराधना हो गई, सारे भगवान का पूजन यजन भजन हो जाता है। इसलिए भाव से बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे राधे, थोड़ा और जोर लगा दे, और बार बार इतना ही तेज बोलना। आपसे तेज हॉस्पिटल में पड़े मरीज चिल्लाते हैं, सत्संग में पड़े हो ताकि जोश दिखना चाहिए। शेर दहाड़ता है और सियार बेचारा ऐसे ही बोलता, और मुझे तो सब शेर ही दिख रहे हैं, सियार कोई नहीं दिख रहा। अब समझ जाओ आपकी क्वालिटी क्या है। बोलो राधे राधे। अरे वाह, जगाना पड़ता है। और आगे कथा आती है, कहते हैं जिस कान ने भगवान के चरित्र को नहीं सुना वो सांप के बिल के समान भगवान ने बेमतलब के बना दिए, जिस पैर ने चल करके भगवान के यहां दर्शन नहीं किए, भगवान के धाम की यात्रा न कर सके, वो पैर वृक्ष के समान जड़ हैं। जो हृदय भगवान की कथा सुनकर रोमांचित नहीं होता वो हृदय पत्थर के समान कठोर हैं।
और बस ऐसी ही सुंदर परीक्षित को बात बताते हुए परीक्षित ने आगे बीच में ही रोकते हुए कहा, अरे गुरुदेव एक बात मेरी समझ में ना आवे। कौन सी बात? गुरुदेव जरा हमें ये बता दियो, भगवान ये सृष्टि का निर्माण कैसे करता है? क्योंकि इस विषय में बड़े बड़े विद्वानों की मति चकरा जाती है। तो भगवान सृष्टि का निर्माण कैसे करता है? एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान विष्णु के यहां जा पहुंचे, और नारद जी जब भगवान विष्णु के यहां जाकर देखते हैं तो नारद जी ने यह दृश्य देखा। भगवान विष्णु को तो प्रणाम किया, भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ नारद जी तब तक नहीं जानते थे जब तक उन्हें अपने पिता से ज्ञान नहीं मिला। उन्हें लगता था कि भगवान ही हमारे सर्वश्रेष्ठ, हमारे पिता ही हैं, ब्रह्मा जी हैं। और जब ब्रह्मा के समीप पहुंचे तो ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा ध्यान कर रहे थे और आखिरकार नारद ने पूछा, ब्रह्मा जी आप तो सबसे बड़े हैं ना, और आप भी किसी का ध्यान कर रहे हो, इसका मतलब कि आप, आपसे भी बड़ा कोई है जिसको आप स्मरण, जिसका आप कर रहे हो, जिसका आप सुमिरन कर रहे हो। ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, बिल्कुल सही पहचाना, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि तन्मायया दुर्जया माम ब्रुवन्ति जगत गुरुम। इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ देवता हैं भगवान नारायण, और भगवान नारायण की ही माया है जिस माया के प्रभाव से, जिस माया के प्रताप से लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। ये भगवान एक बार क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे थे। ब्रह्मा कहते हैं, मेरी भी उत्पत्ति का स्थान यही भगवान है। और जब भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, अचानक भगवान के नाभि से कमल गिरा और उस कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा सोचते हैं, मैं कहां से आ गया, बार बार कमल के तंतुओं में जाते फिर बाहर निकलते। और जब ब्रह्मा ना समझ सके ब्रह्मा, तो ब्रह्मा को आवाज सुनाई दी, आकाशवाणी के द्वारा आवाज आई, भजन करो, मेरा यजन करो, तप करो, तप करने से तुम्हारा कल्याण हो। और जब ब्रह्मा जी ने तप किया तब जाकर उन्हें विष्णु भगवान ने दर्शन दिया, और विष्णु भगवान ने दर्शन देते हुए कहा कि आप सृष्टि की रचना करो, और पूरे भागवत को चार ही श्लोक में, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, और जिन श्लोकों का सहारा लेकर के भगवान महर्षि वेद व्यास ने पूरी भागवत संहिता बनाई इन्हीं चार श्लोक की सहायता से। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदयत सद सत्परम पञ्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्महम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत यात्मनि कदिद्या आत्मनो माया यथा भासो तथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्व्यति रेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। और भगवान ने बड़ा सुंदर चतुश्लोक की भागवत के माध्यम से ये बताया, इस सृष्टि मेरे कारण है, जहां जहां तुम्हें सृष्टि दिखाई देती है वहां भी मैं हूं, और जहां तुम्हें नहीं दिखाई देती वहां भी मैं हूं। और इस प्रकार से भगवान ने बड़ी सुंदर व्याख्या करी और आगे ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करने के लिए कहा, तुम आलस्य छोड़ दो और तुम इस सृष्टि का निर्माण करो। और ये सुनकर ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने का उद्योग करने लगे।
नारायण के द्वारा सृष्टि विस्तृत करने की सामर्थ्य ब्रह्मा को मिली, लेकिन आखिरकार ब्रह्मा जी के मन से मानस पुत्र हुए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। आज ब्रह्मा जी ने सनक नंदनों को कहा है सृष्टि का विस्तार करो, तो भगवान के जो सनकादि ऋषि हैं उन्होंने कहा भाई हमें कोई सृष्टि का विस्तार नहीं करना, हमें तो निवृत्ति मार्ग की ओर अग्रसर होना है। और बस ये सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, उनके भूमध्य के बीच में, उनके भावों के बीच में बीच से अनेक रुद्र पैदा हुए। रुद्र को रुद्राणियां समर्पित किया और समर्पित करके ही भगवान ने कहा आप सृष्टि का विस्तार करो, तो वो अपने ही जैसे सृष्टि बनाने लगे। और इसके बाद ब्रह्मा जी को ने रोका, कहा भैया अभी आप तपस्या करो, आप सृष्टि के विस्तार में अभी आप में वो सामर्थ्य नहीं। ब्रह्मा जी बड़े चिंता और व्याकुल से व्यथित थे कि ब्रह्मा जी का शरीर दो भागों में परिवर्तित हो गया और एक भाग मनु जी महाराज और दूसरे भागों से शत्रुपा देवी प्रकट हुए। संसार के आदि पुरुष हैं मनु जी और प्रकट हुए। तो आज कहा पिताजी क्या करना है, पिताजी ने कहा योग्य बेटा ऐसा ही होता है, जो बाप की बात माने, पिता कह दे आप सृष्टि का विस्तार करो। आज मनु जी ने कहा मैं सृष्टि का विस्तार तो करूं, लेकिन सृष्टि तो उस हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी मैया को पाताल लोक में छिपा दिया है, कोई आधार तो होना चाहिए सृष्टि के विस्तार में। और बस ब्रह्मा जी चिंतित हुए, बड़े ध्यान से सुनना, ब्रह्मा जी जब चिंतित हुए तो ब्रह्मा जी के नाक से अंगूठे के आकृति का एक सुअर का बाराह का बच्चा निकला। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या है, ये कहीं मुझे मोहित करने के लिए भगवान तो नहीं है। और देखते ही देखते वो हाथी से भी बड़ा विशाल हो गया। बोलो वाराह रूप भगवान की, और भगवान वाराह रूप में आए और सब पर कृपा दृष्टि बरसाते हुए पाताल रूप लोक में गए। आज पाताल चिल्ला पड़ी, आज समुद्र चिल्ला पड़ा आर्त भाव से भगवान मुझ पर कृपा करो। और भगवान गए और पृथ्वी को अपने दंतों पर लेकर आए और लेकर आकर पृथ्वी को लेकर जाने लगे। जब बाहर निकले पृथ्वी को लेकर तो पृथ्वी मैया ने देखा जी बड़ा सुंदर धाम है, बड़ा सुंदर स्थान है। पृथ्वी मैया ने कहा भगवान मैं तुम्हारे दांतों पर बैठी हूं और ये कौन सा जगह है, क्योंकि दुनिया मेरे अंदर है और मैं तुम्हारे दांतों पर, लेकिन मुझसे अलग कौन सा स्थान दिख रहा है। भगवान वाराह ने कहा अरे पृथ्वी देवी अहंकार मत करना, क्योंकि जो स्थान तुम्हें दिख रहा है ये हमारे गोविंद का घर है, ये हमारा वृंदावन धाम है। संसार प्रलय हो जाता है लेकिन वृंदावन धाम कभी प्रलय नहीं होता। बोलो वृंदावन धाम की, प्रेम से बोलो वृंदावन धाम की, ये हमारे गोविंद का घर है। और ऐसा वृंदावन धाम को देखा प्रलय हो जाता है लेकिन वृंदावन धाम का क्षय नहीं होता। आज पृथ्वी मैया को लाकर के स्थापित किया और तब जाकर के मनुजी ने अपने वंश का विस्तार किया। तथा मिथुन धर्मेड़ प्रजा हो धाम्ब भूवीरे, और इस प्रकार से फिर यौन सृष्टि का प्रारंभ हुआ। आकुति रुचय प्रदात कर्दमाय तु मध्यमाम दक्षादाय प्रसूतिम च यत आपूर्तिम जगत। कहते हैं मनु महाराज की तीन कन्याएं हैं, आकुति देवहूति और तीसरी है प्रसूति, और दो बेटे हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के दो बेटे हैं। हम सब के आदि पुरुष हैं मनु जी ही, हम सब मनु की ही संतान हैं। और इस प्रकार से
कथा आगे बढ़ती है। देवहूति, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ है और करदम जी के साथ विवाह हुआ। ये करदम कौन? कहते हैं एक बार तपस्या कर रहे थे करदम जी, और तपस्या करते करते करदम ऋषि अचानक मन में ये भाव है कि काश हमारा विवाह होता, और विवाह भी हो तो हमें योग्य सुशील घर में हमारे देवी का पदार्पण हो, क्योंकि घर में, घर को एक नारी ही सजाती है। आप जैसे आचरण और विचार से अपने परिवार को रखना चाहती हो, अपने संतति को आप उसे बना सकती हैं। एक मां अपने बेटे को धनवान, विद्वान, महापुरुष सब बना सकती है, और अगर एक नारी वास्तव में खुद को समझ जाए तो उसका पति किसी भी बुरे राह पे भी गया हो तो वो उसे सदमार्ग पर लगा देती है। और बस हमारा विवाह हो तो बस योग्य सुशीला कन्या से हो, लेकिन जब भगवान दर्शन दिए ना, हजारों बरस तक तपस्या की, पत्नी मनोरमां देही मनोवृत्तांत सारणी, और जब भगवान आए तो भगवान ने कहा क्या चाहिए तो बनने लगे। अरे नहीं प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा दर्शन कर लिया और क्या चाहिए। लेकिन भगवान के आगे चालाकी नहीं चलेगी, भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा हम सब जानते हैं तुम्हारे मन में विवाह की इच्छा है, हम चाहते हैं तू विवाह कर ले। तेरे सामने मनु जी अपनी बेटी को लेकर आएंगे तो मना मत करना विवाह से, स्वीकार कर लेना। और बस करदम ने कहा ठीक है। और उस समय महाराज मनु अपने रथ के द्वारा, रथ से अपनी कन्या देवहूति को ला करके मनुजी महाराज लाते हैं और करदम को समर्पित करते हैं। ये है हमारे भारत कुल का गौरव, ये है हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया, एक राजघराने की बेटी आज ब्याही जा रही है संत से, एक आश्रम में रहने वाले फकीर से। क्यों? क्योंकि पहले कुल देखे जाते थे, मर्यादाएं देखी जाती थी, योग्य संतति प्राप्त की इच्छा से एक विद्वान संतति की प्राप्ति की माता पिता की इच्छा रही, और इसलिए एक योग्य घराने की लड़कियां, स्त्रियां एक फकीर से ब्याही जाती थी। और आज न कुल देखे जाते हैं, न संप्रदाय देखे जाते हैं, न गोत्र, न कुछ, न मर्यादा, केवल धन देखा जाता है। और इसीलिए नए युवाओं में जिनके घर के संस्कार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, वरना दिशा विहीन हो जा रहे हैं युवा भाई। युवाओं को सतपथ पे लगाना है, सतराह में लेकर के आना है। और बस आज अपनी बेटी को लेकर आए, पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवनीव भयं प्रभुम्। नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवनीव भवं प्रभुम्। आज देवहूति को छोड़ करके जाते हैं, देवहूति ने अपने पति की मन लगाकर इतनी सेवा करी है, पति प्रायः समाधि में ही रहते थे, इतनी सेवा करी है देवहूति ने पति की कि शरीर बिल्कुल कृश हो गया, प्रायः व्रत अधिक रहती थी,